Hello everyone, welcome back to our channel Kashmir Food Fusion. Click on the subscribe button here to subscribe to our channel and press the bell icon button to remain updated. आज हम आपको दिखाएंगे कि कश्मीरी वाजवा में जो फेमस प्रॉन यूज़ किया जाता है उसको घर पे आप कैसे फ्राई किया कर सकते हैं। अगर आप घर पे फ्राई और पेस्ट बना के रखेंगे तो फिर ये काफ़ी टाइम तक आप यूज़ कर सकते हैं, इट वॉन्ट गेट स्पॉइल्ड। तो जो ये प्रॉन है इसको शैलट्स भी कहा जाता है इन इंग्लिश, एंड इट्स अ टाइप ऑफ शैलट ओनली। तो आप इसको बाज़ार में आसान से ला सकते हैं एंड देन यू कैन प्रिपेयर इट एट होम। सो आई एम शोइंग यू हाउ टू मेक इट फॉर 2 kg ऑफ प्रॉन। तो जो यहाँ पे प्रॉन है इसको हमने क्लीन किया है, और क्लीन करने के लिए आपको अनियंस की तरह इसका आउटर कवरिंग जो है वो रिमूव करना है और जो बल्ब है वो रखना है यूज़ करने के लिए। तो हियर यू कैन सी आउटर कवरिंग इसको रिमूव करनी है, और जो ये इनर बल्ब है यू हैव टू कीप इट असाइड। दिस इज़ अ मेन इंग्रेडिएंट, दिस इज़ व्हाट वी हैव टू यूज़। सो यू हैव टू क्लीन इट एंड कीप इट असाइड एंड देन आई विल शो यू हाउ इट्स मेड। And like I said, this recipe is for 2 kg of shallots. तो जब आप इसको अच्छे तरीके से क्लीन करेंगे then you have to chop it. You can chop it on a chopping board, but I'm showing you how it's done traditionally. तो आपको इनको small pieces में chop करना है। So you have to chop all the pieces. And then you have to put ghee in a pan and you have to wait for the ghee to melt. आप एक पैन लीजिए बर्नर पे और उसमें approximately 250 grams of ghee डालिए for 2 kg of shallots. And when the ghee is hot, you have to add the shallots, chopped shallots into it and fry them. Make sure the ghee is really hot, उससे पहले add नहीं कीजिएगा. And like I said, you have to add approximately 250 grams of ghee for 2 kg of shallots. तो अब देख सकते हैं आप, इसमें सारे हमने shallots ऐड कर दिए हैं chopped, और अब हम वेट करेंगे जब तक ये डार्क गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाए, अच्छी तरीके से फ्राई ना हो जाए। आई वॉन्ट टू टेल यू वन मोर थिंग, वाजवान में जो वाजा होता है यहाँ का शेफ़, वो लोग इस टाइम पे फ्राई करते हैं मिक्सचर ऑफ प्लेन अनियंस जो है वो और शैलट्स, और फिर उसमें डाल देते हैं एनिमल फैट, बिकॉज वो प्योरली शैलट्स नहीं लेते हैं। बट एट होम यू डोंट नीड टू ऐड फैट और एनी थिंग, यू जस्ट हैव टू यूज शैलट्स एंड घी, नथिंग एल्स, नो अनियंस, नो फैट, नो सॉल्ट, नथिंग, जस्ट शैलट्स एंड घी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी गोल्डन ब्राउन कलर के हो रहे हैं। So when they are golden brown in color, you remove them and keep them on a plate. So here I'm removing the shallots and I'm keeping them aside on a plate and let them cool down a bit. So here you can see I've removed all the shallots, fried shallots from the ghee, and I've let them cool down a little bit, and now we are ready to make a paste out of them. यहाँ पे हमने पेस्टले मोटर लिया है, स्टोन मोटर। आप लोग यूज़ कर सकते हैं एक फूड प्रोसेसर या मिक्सर ग्राइंडर भी, इफ़ यू डोंट फाइंड इट एट होम एंड यू आर नॉट इन कश्मीर, बट योर टेक्सचर एंड द टेस्ट वोंट बी सेम। आई कांट गारंटी द टेक्सचर एंड टेस्ट, बिकॉज दिस वे एक अच्छा फाइन पेस्ट बनता है जब हम इस तरह स्टोन मोटर में इसको यूज़ करते हैं और पेस्टर से इस तरह इसको करते हैं क्रश। सो आई कॉन्ट गारंट यू द टेस्ट इन फूड प्रोसेसर, बट काम चल जाएगा इफ़ यू डोंट फाइंड इट एट होम। अब आप देख सकते हैं वी हैव टू क्रश इट, इसका अच्छा सा पेस्ट बनाना है। सो हमें पेसिल यूज़ कर रहे हैं, वुडन पेसिल, and we are crushing it. इसको आप कश्मीरी में नियम भी बोलते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं हो बाहर आपको साथ हो, तो आप मिक्सर ग्राइंडर भी यूज़ कर सकते हैं। सो
So it takes a little bit of time here and manpower, so you should be patient enough to do it. You can see the color is changing while we are crushing this these fried shallots, and in the end we will get white colored shallots, so you have to wait until that. आपको ये राउंड मोशन में इसको क्रश करते जाना है. यू हैव टू प्रेस दीज फ्राइड शैलट्स एंड क्रश देम एंड वेट अंटिल द कलर चेंजेस एंड द कंसिस्टेंसी चेंजेस. अब देख सकते हैं, पहले ये पेस्ट बिल्कुल भी नहीं था, ये प्लेन फ्राइड शैलट्स थे, अभी पेस्ट फॉर्म में आ रहा है. एंड यू हैव टू कंटिन्यू डूइंग इट अंटिल इट बिकम्स रियली थिन एंड अ गुड पेस्ट. और कलर भी चेंज होना चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल इस कलर के नहीं थे पहले एंड नाउ द कलर हैज चेंज्ड. सो अब हम इसमें अप्रॉक्सीमेटली 1 टेबल स्पून जितना ऑयल घी डाल रहे हैं, सॉरी एक्सक्यूज मी, आई एम यूजिंग द सेम घी जिसमें इनको फ्राई किया था, उससे इनका कलर और वाइट हो जाएगा. सो द पर्पज ऑफ एडिंग घी हियर इज टू चेंज द कलर एंड मेक इट वाइट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस मोटर में और घी डाला है जिस घी में इसको फ्राई किया था, और अब हम इसको और क्रश करेंगे विद अ पेसल. सो हियर आपको ऐसे सर्कुलर मोशन में कर सकते हैं या किसी भी राउंड कर सकते हैं मोशन में, सो दैट इट बिकम्स अ फाइन पेस्ट एंड यू कैन सी द कलर चेंजेस एंड बिकम्स वाइटिश इन कलर. हियर यू कैन सी दैट आफ्टर क्रशिंग इट फॉर अ लॉन्गर टाइम इट बिकम्स अ फाइनर पेस्ट एंड अ वाइटर कलर. सो नाउ इट्स डन, यू कैन सी कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है. इट लुक्स गुड एंड नाउ यू कैन टेक इट आउट इन अ प्लेट. यू कैन स्टोर इट इन अ जार, क्लोज लिड जार, एंड यू कैन यूज इट फॉर अ ईयर लॉन्ग. ख़राब नहीं होगा, यू कैन प्रिजर्व इट एंड इट टेस्ट इज गुड एज वेल. इट मेक्स योर करी ऑफ अ गुड टेस्ट एंड इससे हर किसी करी में या जो भी डिश आप बनाते हैं उसमें अच्छा फ्लेवर आ जाता है. एंड दिस वे यू कैन प्रिजर्व इट फॉर अ लॉन्गर टाइम. यू डोंट नीड टू पील इट ऑफ उसी टाइम पे यूज़ करने के लिए. यू कैन प्रिजर्व इट लाइक दिस. सो प्लीज़ ट्राई मेकिंग इट एट योर होम. थैंक यू.